हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त संजय सिंह आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं AWPL में एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी हमारे फाइटर्स हैं जो अपनी ID को ओपन करते हैं तो लेकिन उनका क्या है, कुछ अलग ही नोटिफिकेशन दिखाता है। तो चलिए इसे कैसे दूर करें हम आपको विस्तार से वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। गूगल आप ओपन करते ही आपने यहाँ पे टाइप करना है AWPL। जैसे ही आप AWPL डालते हैं, जो फर्स्ट आपको लॉगिन का वो दिखता है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको उसमें एक लॉगिन का ये आता है, इस पर आपने अपनी आईडी को डालना है और इसमें जनरेट करके इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का जो इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आप यहां पर OTP सेंड करते हैं लेकिन यहां पर कोई भी OTP नहीं आता है। तो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका OTP डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके आपको जो सेंड OTP है, OTP सेंड होने के बावजूद भी अगर यहां पर OTP नहीं आता है तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो अपडेट नहीं है। तो अपडेट करने के लिए आपने जीमेल पर जाना है। जैसे आप जीमेल पे कंपोज करते हैं यानी नई ईमेल आईडी लिखते हैं तो आपने ईमेल आईडी भेजनी है किसको, आईडी करेक्शन डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हम आईडी करेक्शन डिपार्टमेंट को मेल करेंगे और सब्जेक्ट में डालेंगे चेंज माय नंबर मोबाइल नंबर। अब आपको जो कंटेंट लिखना है उस कंटेंट में आपने जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस प्रकार से कंटेंट लिख सकते हैं और कंपनी में मेल भेज सकते हैं जैसे मैंने आपको कंटेंट दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो बार है इस पर आपने अटैच फाइल करके, अटैच फाइल करेंगे तो यहाँ से आपने अपने आधार कार्ड की सेल्फ अटैच उसको आपने यहाँ पे सेल्फ अटैच करके देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपके यहाँ पे आधार कार्ड है उसको डन कर देना है। आपका ये अटैच हो चुका है और आप ये तीर के निशान पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेंड हो जाएगा। अब जो नोटिफिकेशन आपके कंपनी में पहुँच जाएगा, कंपनी इसको वेरीफाई करके आपके नंबर को चेंज कर देगी। थैंक यू सो मच।